ए टू जैड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखड़ टोल प्लाजा नैशनल हाईवे रोड पर फिलहाल खड़े हाँ और पाछा अपने दिखन लग रहा होगा, यानी गर्मी आएगी सर्दी चली गई। अपना इंतजाम खातर पंखे की बात हो, कूलर की बात हो, फराटे की बात हो, वो तो इंतजाम अलग है, लेकिन एक इंतजाम देसी जुगाड़ भी कहेंगे, इंतजाम भी कहेंगे, अपने दिखने लग रहा ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली हरीश पे ये के बोले अगर इसने छतरी लग रही है भाई, टेलीविजन का पहला जुगाड़। दूसरी चीज इसका भीतर जाके देखेंगे पूरा सिस्टम के है, ये देख लो छतरी सेट कर रखी है और डंडा और झंडा है तो साथ में रवे हैं। हाँ जी आ जाओ बैठो, एक बार आड़ बैठ जाओ ना। राम राम सच्ची राम राम जी सतश्रीकाल जी। कौन सी जगह से आए हो आप? संगरूर जिला जी चिट्ठा गोविंदपुरा। अच्छा, तो यू के महकमा जोड़ लिया है आप? एक कंटेनर है जी। अच्छा, ट्रक से उतारा है। हाँ जी। क्या क्या सुविधा दे दी इसमें? एलईडी है, एसी है, पखे है। अच्छा हाँ जी, सब पूरा बना बना कमरा पूरा मोटा ही, गर्म नहीं होता ये। अच्छा जितने मर्जी बॉर्डर पर लेके जाओगे? टिकरी बॉर्डर जी। टिकरी बॉर्डर। चलो भाई आपने देखने लग रहा है, बाकी वाहे गुरु जी की खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बड़ा भाई पुठा नहीं अटा कर देख, एक वोट मांगा था तनो नहीं दिया, देख रात रात में कैपर बंद कर दिया। इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेवा सिंह भरिया पड़िया है, कहने की जरूरत नहीं है और छलकन लग रहा है। आजो आजो थोड़ा आजो पाछे। तो भाई आपने दिखावांगे एक बार तुरंत आज प्रदीप अंदर फिर जावांगे एक बार, अपने बैरत दिखाने लग रहे हैं पूरा सिस्टम, जो छतरी लग रही है, ऊपर झंडा लग रहा है भारतीय किसान यूनियन का और ई भी इसका भीतर का अपने पूरी चीज दिखावांगे। तब जी दियो थोड़ी रास्ता भीतर का महकमा दिखावांगे भीतर के है। प्रदीप प्रदीप देखो कंटेनर जो बताने लग रहा है, पहला तो सुविधा इसमें यह है कि दरवाजा वाली छोटी भाई ये हो गया दरवाजा वाली, यानी किस तरीके का पूरा कंटेनर में एक रूम सेट तैयार कराया गया है। कहना यू है इसमें गर्मी नहीं होगी, बाकी भीतर के जो सीन है वो आपने दिखावांगे आज, के इसकी सुविधा है वो भी आपने दिखावांगे। और ये देखो पहला तो पर्दे भी लाग रहे हैं, यानी न्यू का न्यू बना बना कमरा का इसका, और ये पंखे रहे छोटा पंखा रहा और ये रखा कूलर, यानी कूलर तो ये ओढ़े जाएगा रहेंगे हटियो थोड़ा, और पंखे चलने लग रहे, चलते पंखे भी आपने दिखावांगे हटियो। भाई ये पंखे चलने लग रहे, पांच पंखे, पांच पंखे इसमें लग रहे हैं और दो तीन तीन चार पंखे फिलहाल चलने लग रहे हैं और लाइट भी ये देख लो, यानी लाइट पंखे और जो भी सुविधा होगी आग एलईडी लग रही वो भी आपने दिखावांगे। और ये देख लो साइड में, यानी सीट भी बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर रखी है और भाई म्यूजिक सिस्टम भी, यानी बूफर भी आगे रख रखे हैं, बड़ी एलईडी लग रही है। और बाकी इन तक बात करांगे, तो भाई बात करांगे पूरा, यानी ये कैस का बनाया बनाया रूम न्यू का न्यू। राम राम जी सतश्रीकाल, ठीक हो? हाँ, कौन सी जगह से आए हो आप? हम जी गांव चट्ठा गोविंदपुरा खनौरी बॉर्डर से आए हैं। अच्छा, तो क्या सोच का आपने एक जिस तरह बनाया बनाया कमरे में जो सुविधा है, अगर पूरी सुविधा गर्मी को बारिश को देख के इसीलिए तैयार की है जी, ऐसे मच्छर मक्खी सब रहते होगा। के सुविधा अपने, क्योंकि देख लिया एलईडी भी लग रही है, एलईडी इसमें पक्के हैं जी, बाकी एसी की सुविधा है जी। एसी कौन सी? एसी लगेगा जी। अच्छा अच्छा, ले साथ में ले रहे हो, पौड़ा लगाओगे? हाँ जी। तो जो गर्मी बढ़न लग रही है और गर्मी की बढ़ती गर्मी ने देखा आप जो ये मतलब इंतजाम करने लग रहे हो, इन्हें लेकर आपके गर्मी इसमें महसूस नहीं होगी जी? और जो किसान है गर्मी में बैठे तो उनकी जो सुविधा आप देने लग रहे हो, इसने लेकर आपके कहोगे? वहाँ जी पक्के रूम बनाएंगे हम, लेटरिन बाथरूम वहाँ मिस्त्री लगा हुआ है, डिग्री बॉर्डर भी हमारा डेरा। चलो आंदोलन ने लेकर अगर आप बात करें, मोदी जी कह रहे हैं कि कानून सही है वापिस नहीं होंगे। कानून सही नहीं है जब तक बक्स नहीं लेगा कानून, जब तक वापस नहीं मुड़ेंगे पक्के रहेंगे, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं भाई कानून वापस नहीं होंगे। किसान कह रहे हैं कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, तो पेचा फंस गया, यू किस तरह समाधान होगा इसका? मोदी को करना पड़ेगा जी। अच्छा हाँ जी, लेकिन वो तो मना कर रहे हैं कानून वापस नहीं, नहीं जी कितना चल मना करेगा जी। अच्छा, हम पीछे नहीं हटेंगे। लगा है कि आप झुकाओगे सरकार? हाँ जी झुकना पड़ेगा जी, मजबूरी। अच्छा, में झुकना पड़ेगा। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देख लिया बनाया बनाया रूम सेट। हाँ कितना खर्चा है? मतलब 2 लाख रुपए खर्चा आ गया जिसमें सारे पंखे कूलर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो भाई एक रूम तैयार करना में, हालांकि गांव में अगर आप आकड़ियां भी एक कमरा बनावा नॉर्मल तो 1.5 लाख में तैयार हो जाए, लेकिन यू कंटेनर के ऊपर 2 लाख रुपये खर्चा लाया दिया जिसमें 5 पंखे आपने दिखने लग रहे हैं,
आगे एक LED लग रही है, यू कूलर रखा जोड़ जाकर लाऊंगे। और भाई AC तक की सुविधा इसमें ये कह लिया पूरा बनाया बनाया, मतलब किस तरह से डिजाइनिंग यू रूम आपा कैश कहा कंटेनर में पूरा कमरा तैयार कराया गया जिसमें सारी सुविधा है। गर्मी तो बचा जाओगा, बारिश तो बचा जाओगा। अगर वीडियो बढ़िया लगे हो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दियो, अपनी सोच विचार सभ्य कमेंट के जरिए जरूर दे दियो। टिकरी बॉर्डर पर गाड़ी जान लग रही, पंजाब तक गाड़ी आई है और खटखट टोल प्लाजा फिलहाल खड़े हैं और भी जान लग रहे, किसान जो है लगातार जान लग रहे। जय जवान जय।